देश की राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज लू चलने का अनुमान है और इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधित चिंता पर जोर दिया गया है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो अभी तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। IMD के अनुसार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को अगले 5 दिन तक गर्म हवाओं के साथ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस हफ्ते के अंत तक कई राज्यों में तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। हरियाणा के सिरसा में गुरुवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा। विभाग ने कहा कि 17 से 20 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और 18 से 20 मई के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में प्रचंड लू चलने के आसार। देखिए, अगर हम अप्रैल से बात करें, अप्रैल से लेके पिछले कुछ दिन तक कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके प्रभाव से क्या था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा था, प्लेन्स पे भी हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा था और जहां क्लॉडी था, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़े नहीं और टेम्परेचर ज्यादा तो नॉर्मल थे या नॉर्मल से कम थे। उसके बाद अब कुछ दिनों से टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज हो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एनीवे, जो मई का महीना होता है वो सबसे गर्म महीना होता है और इस समय जनरली टेम्परेचर्स 45 डिग्री काफी जगह पहुंच जाते हैं। अगर आप आज की बात करें, आज भी टेम्परेचर स्पेसिफिकली राजस्थान में 45 डिग्री तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अगर पंजाब, हरियाणा की बात करें, वहां पे भी टेम्परेचर 44 के पास है और हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली उत्तर प्रदेश आल्सो, और हमारा जो वार्निंग है आने वाले दिनों के लिए, हमारा अनुमान यह है कि राजस्थान में हीट वेव 5 दिन रहेगा। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी 5 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है और कल के बाद टेम्परेचर्स मध्य प्रदेश में, स्पेसिफिकली नॉर्थ मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगे, बहावी हीट वेव रहने का अनुमान है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में भी आने वाले 4 दिनों में हीट वेव रहेगा, उसके बाद हम थंडरस्टॉर्म की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां हल्का फुल्का थंडरस्टॉर्म हो सकता है, जिसके कारण टेम्परेचर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां भी 2 दिन के बाद 2-3 दिन हीट वेव हो सकता है।